जिस व्यक्ति ने यह बात उठाई है, किसके बारे में उठाई है तो मालूम नहीं, यदि आपका आशय मेरी तरफ में है तो ये बेसलेस है और इंसान को तथ्यों के साथ बात करना चाहिए। जहां तक सोनिया जी की बात है, मेरे पिताजी सबसे कम उम्र वाले एमपीओ में से एक थे जो 1952 से थे, और मैं उनको तब से जानता हूं जब से मैंने होश संभाला है। तो इसमें जब कभी इस प्रकार से कोई बात करता है ना, तो उसको कम से कम तथ्यों को देख लेना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने भी ये बात की है उसके भी तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सभी दूसरे पार्टियों के साथ में, इसका मतलब कि वह भी गड़बड़ी कराता रहा है। लेकिन जिस तरीके का ट्रिगर किया है डायरेक्टली जो है, अरे किसी के बोल देने से नहीं होता। अगर यही बात थी तो मेरे भाई को जिसको डीआईबी बनना था उसको सुपरसीड क्यों कर दिया, और आज वही मेरा भाई जो चीफ कमिश्नर सीआईसी का बनने वाला था उसको वो कैसे सुपरसीड हो गया। तो वो सरकार में तब हुआ था और अब हुआ है, तो अब ये भी मैं आशय जोड़ दूं दोनों। यानी कि आप कह रहे हैं सीआईसी की नियुक्ति पर भी जो है कहीं ना कहीं, नहीं नहीं अब ये सब आगे बात नहीं बना हुआ। अगर आदमी कोई ऐसी बातें करता है तो जब वो किसी पे उंगली उठाता है तो चार उसके ऊपर भी होती है ना। मैंने तो अभी कुछ नहीं उस व्यक्ति के बारे में कहा, जिस भी व्यक्ति ने ये बात कही है मुझे तो मालूम भी नहीं।